नाजरीन, चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज़का अशरफ ने कहा है कि खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट्स के मुआवजों और मैच फीस में बेहद इजाफा किया जा रहा है ताकि क्रिकेटर्स किसी और तरफ ना देखें। कोलंबो में साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए ज़का अशरफ का कहना था कि कौमी क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से आगाह कर दिया है। खिलाड़ियों को लीग्स खेलने की तादाद का भी बताया गया है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स खिलाड़ियों की बेहतरी को मद्देनजर रख के तरतीब दिया गया है। ज़का अशरफ का कहना था कि क्रिकेटर्स के पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स मौजूद हैं, देखते हैं कि दस्तखत करते हैं या नहीं। खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट के मुआवजों और मैच फीस में बेहद इजाफा किया जा रहा है ताकि क्रिकेटर्स किसी और तरफ ना देखें। क्रिकेटर्स के एजेंट्स क्रिकेटर को मुख्तलिफ शकों पर बात करने का कहते हैं। मुख्तलिफ इशूज पर बातचीत होने की वजह से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ताखीर हुई है। उनका कहना था कि ए कैटेगरी के खिलाड़ियों को सिर्फ दो लीग खेलने की इजाज़त होगी। वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से PSL के अलावा दूसरी एक लीग की इजाज़त होगी। मेगा इवेंट और एम सीरीज से 2 माह कबल तक खिलाड़ी कोई लीग नहीं खेल सकेंगे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करना।